देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रैली भी निकाली गई। आयोजित रैली में ग्रामीण अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कार्यक्रम को संबोधित कर बीजेपी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। डॉक्टर राकेश मोहन मैठाड़ी ने कहा कि देवप्रयाग विधायक युवा हैं, प्रदेश के मुखिया भी युवा हैं। ऐसे में युवाओं को राज्य को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देना होगा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंडल अध्यक्षों को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना होता है। कार्यकर्ताओं की बदौलत आज पार्टी का संगठन विश्व में प्रथम स्थान पर है। देवप्रयाग से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के एक आधारित पार्टी है। इसमें युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया को लेकर जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के श्री विनोद कंडारी जी विधायक प्रत्यक्ष में अभी उदाहरण के लिए वो भी एक युवा है। विधानसभा क्षेत्र के भी एक युवा विधायक जो काफ़ी कर्मठ काफ़ी आदर्श विधायक और युवाओं को काफ़ी मौका दिया जा रहा है। जनता पार्टी युवाओं को ही आगे कर रही है और हमारे दोनों युवा जो मंडल अध्यक्ष हैं आपने देखा होगा पार्टी में भी सब हमारे युवा हैं और युवा शक्ति और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद से पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत इसे तरक्की करेगा और इन लोगों की ऊर्जा देश को मिलेगी, समाज को मिलेगी, निश्चित तौर से भारत इस विषय में आगे तरक्की करेगी। मैंने प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, मंडल नेतृत्व का, देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मंडल अध्यक्ष की ग्रामीण जिम्मेदारी दी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय भाजपा संगठन को ग्रामीण में और ज़्यादा मजबूत करेंगे और भारतीय उत्तराखंड सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की और माननीय विधायक जी की जो योजनाएं होंगी, जो उनके कार्य होंगे, उनको हम जनता तक पहुँचाएंगे।